भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या वापसी करने वाले हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जब सीरीज हुई तो फिर सिर्फ बतौर बल्लेबाजी के तौर पर उतरने पर उनको जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। यानी कि इस पर अभी देखना होगा कि क्या उनको जगह मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान की ओर से कुछ बातें इस विषय को लेकर कही गई हैं। वो बातें क्या है वो मैं आपको बता दूं। दरअसल उनकी ओर से कहा गया है कि इस मैच में भारतीय टीम का प्लेइंग कैसा होगा, इस पर उन्होंने बोला कि वाशिंगटन सुंदर के आने की वजह से हार्दिक पांड्या का खेलना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब सवाल यह भी है कि क्या तेज गेंदबाजी में हार्दिक भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो उनकी गेंदबाजी को लेकर इरफान की ओर से कहा गया कि अगर कॉम्बिनेशन के जरिए उनको खिलाया जाए तो वो टीम मैनेजमेंट बताएगी, लेकिन उनके लिहाज से वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो फिर नंबर 7 पर वो बल्लेबाजी करेंगे, ऐसे में फिर हार्दिक के लिए जगह बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब डे नाइट टेस्ट मैच के लिए किसको ज्यादा दावेदार वो मानते हैं, इसको लेकर इरफान की ओर से कहा गया है कि किसी ने जब उनसे पूछा 2-1 से भारत के हक में ये सीरीज जा सकती है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर इंग्लैंड का मौका है तो वो मोटेरा में होगा जब वो डे नाइट टेस्ट मैच में उतरेगी, क्योंकि मोटेरा में शाम की कंडीशन आपको थोड़ी सी ज्यादा मदद कर सकती है, गेंद भी ज्यादा हिलती है। ऐसा नहीं है कि गेंद अगर हिलती है तो भारतीय टीम अच्छा नहीं करती, लेकिन अगर ऐसा कोई मौका है तो इंग्लैंड के लिए वो वहीं पर होगा। अब सीरीज को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि सीरीज का नतीजा आप क्या देखते हैं, तो उनकी ओर से कहा कि ये अनुमान तो यही है कि ये सीरीज भारतीय टीम 2-1 से जीतेगी। 2-1 के अगर सीरीज खत्म होगी तो फिर ये मौका डे नाइट हो या फिर कोई और मैच हो, इंग्लैंड के लिए मौका बन सकता है। ये उनका अनुमान था जो उन्होंने बताया कि सीरीज का नतीजा जो रहेगा वो 2-1 से रहेगा, लेकिन अभी हार्दिक पांड्या को लेकर देखना होगा कि क्या प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या को जगह मिलती है या फिर नहीं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए।